मैदान घड़ी का तालाब है। इस तालाब में दिल्ली पुलिस की टीम श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को तलाश कर रही है, लेकिन तालाब का पानी दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती साबित हो सकता है, लिहाजा दिल्ली पुलिस तालाब के पानी को कम कराने की कवायद में जुटी है। दरअसल आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उसके शव के एक एक हिस्से को अलग अलग ठिकानों पर फेंका है। दिल्ली पुलिस ने नगर निगम को तालाब का पानी कम करने को कहा है। पुलिस को शक है कि श्रद्धा का सिर आफताब ने मैदान गड़ी के इसी तालाब में फेंका होगा, लिहाजा पुलिस अब तालाब में भी सर्च ऑपरेशन करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ये तालाब करीब 2 एकड़ में फैला है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस को अब तक 9 ऐसे गवाह मिले हैं जो श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इनमें कुछ श्रद्धा के दोस्त हैं तो कुछ आफताब के पड़ोसी और एक डॉक्टर भी है। 9 गवाहों के बयान दर्ज। गवाह नंबर 1 राहुल राय, श्रद्धा का दोस्त। श्रद्धा मर्डर केस में राहुल राय की गवाही बेहद अहम है, क्योंकि सबसे पहले श्रद्धा ने राहुल को ही ये जानकारी दी थी कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है और आफताब उसे जान से मारने की कोशिश कर चुका है। गवाह नंबर 2 गॉडविन, श्रद्धा का मददगार। गॉडविन वो शख्स है जो इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता है। मुंबई में जब आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी और उसका गला दबाया था, तब श्रद्धा को चोट आई थी और वो घर से अपना इलाज कराने निकली थी, तभी गॉडविन ने श्रद्धा की मदद की थी और उसे अस्पताल लेकर गया था, और गॉडविन ने ही श्रद्धा को पुलिस स्टेशन तक ले जाने में मदद की थी। गवाह नंबर 3 लक्ष्मण नाडर, श्रद्धा का दोस्त। लक्ष्मण भी इस केस में अहम गवाह है, क्योंकि इनके मोबाइल में श्रद्धा के साथ हुई मारपीट की घटनाओं से जुड़ी चैट मिली है। गवाह नंबर 4 शिवानी महात्रे, श्रद्धा की दोस्त। आफताब और श्रद्धा के रिश्तों की सच्चाई बयां करने के लिए शिवानी महात्रे की गवाही भी बेहद अहम है। शिवानी ने एक खुलासा किया है कि आफताब की करतूतों के बारे में श्रद्धा ने उसे भी जानकारी दी थी और आफताब श्रद्धा के रिश्ते की शुरुआत से ही मारपीट का दौर शुरू हुआ था। इन नामों के अलावा दिल्ली पुलिस ने 5 और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें श्रद्धा के पिता, उसके क्लासमेट और श्रद्धा के मैनेजर के नाम शामिल है। गवाह नंबर 5 रजत शुक्ला, श्रद्धा का क्लासमेट। गवाह नंबर 6 करण बारी, श्रद्धा के मैनेजर। गवाह नंबर 7 विकास वालकर, श्रद्धा के पिता। वहीं पुलिस ने 2 डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें से एक डॉक्टर ने श्रद्धा का इलाज किया था तो दूसरे ने आफताब का। गवाह नंबर 8 डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे, मुंबई के ओजोन अस्पताल के डॉक्टर। गवाह नंबर 9 डॉक्टर अनिल, ये वही डॉक्टर अनिल है जिन्होंने आफताब का इलाज किया था। आफताब डॉक्टर अनिल के पास तब पहुंचा था जब उसके हाथ में चोट लग गई थी। माना जा रहा है कि जब आफताब श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, तब आफताब का भी हाथ कट गया था, तब उसने डॉक्टर अनिल कुमार से अपना इलाज करवाया था।